प्रदेश में आगजनी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। ज्वाली के मन टांडा गांव में शुक्रवार को बिजली के खंभे में शॉर्ट सर्किट होने के कारण एक घर आग की चपेट में आ गया और घर में रखे सामान के साथ साथ घर में मौजूद दो दुधारू पशु जिंदा जल गए। जिला कांगड़ा के मठ टांडा गांव में बिजली के शॉर्ट सर्किट से एक घर में आग लग गई और घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। इस आगजनी की घटना में दो दुधारू पशु भी जिंदा जल गए। मठ क्षेत्र के गांव टांडा में गुज्जर समुदाय से संबंधित गाजी हुसैन वर्षों से अपना घर बनाकर परिवार सहित यहां रह रहा था। जानकारी के अनुसार मवेशियों के बांधने के लिए बनाए गए खडपोश के मकान के साथ लगे बिजली के खंभे में अचानक शॉर्ट सर्किट हो गया। लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग ने अपना भयंकर रूप ले लिया था और देखते ही देखते वर्षों से बनाया आशियाना और घर में रखी सारी संपत्ति जलकर राख हो गई। इस आगजनी की घटना में लगभग 4 लाख सोने और चांदी के गहने, 2 लाख नगद कैश और 2 मवेशी जिंदा जल गए। वहीं इंदौरा थाना के सह प्रभारी मोहिंदर शर्मा अपनी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और आगजनी का मामला दर्ज कर आगामी छानबीन शुरू कर दी है। सिटी चैनल के लिए ज्वाली से दौलत चौहान की रिपोर्ट।